कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र पर चर्चा हुई, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने जमकर योगी सरकार पर निशाना साधा। और अखिलेश यादव ने सदन में कहा कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नर्स, वार्ड बॉय की कमी है, करोड़ों की दवाई एक्सपायर, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट की हालत खराब है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अगर सपा के काम को हटा दे तो भी सरकार ने क्या किया है, कोई नया काम नहीं हुआ। आज प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों की भारी कमी है, आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि पिछली सरकार ने लैपटॉप दिए, आप लैपटॉप नहीं दे सकते इसलिए टैबलेट बांट रहे हैं। बिजली उत्पादन ट्रांसमिशन में जो होना था वह कुछ नहीं हुआ। वही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों अधिकारियों के खाली पदों पर जल्द भर्तियां की जाएंगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे जिला अस्पताल हो, चाहे हमारे सीएससी पीएससी हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। और माननीय मंत्री जी का ही माने अगर हम तो हर जगह कमी नजर आ रही है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है। आपके जहां तक दवाइयां मिलनी चाहिए थी, दवाइयों में भी बड़े पैमाने पर कमी दिखाई दे रही है। और यहां तक डिप्टी सीएम विभाग के मंत्री, उन्होंने खुद जाकर के पकड़ा कि करोड़ों रुपए की दवाइयां जो एक्सपायरी डेट की थी वो दिखाई दे रही हैं। कोरोना प्रबंधन के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य नंबर एक पर है। हमने 100% वैक्सीनेशन सबको किया है। बच्चे जो अनुमन्य हैं वहां भी हम 100% की ओर बढ़ रहे हैं। बजट के मामले में जानते हैं, चिकित्सा व्यवस्था के लिए हमने भारी भरकम बजट आवंटित किया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंकी गई। बता दें कि गांधी भवन में राकेश टिकैत की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इसी दौरान एक शख्स ने राकेश टिकैत के पास जाकर उन पर स्याही फेंक दी। इसके बाद टिकैत के समर्थकों ने स्याही फेंकने वाले को पकड़ लिया और फिर उसकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, स्याही फेंकने के बाद माहौल गरमाया और मंच से सामने कुर्सियां तोड़ी गई। जिम्मेदारी यहाँ की लोकल पुलिस की है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी कंपनी नहीं है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिली भगत से ये काम। ज्ञानवापी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। इसके बाद मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में जल्द फैसला आ सकता है, जहां किरण सिंह की याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें कि श्रृंगार गौरी में पूजा करने को लेकर याचिका दी गई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अगली तारीख 8 जुलाई रखी। वहीं इस ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट में मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद सुनवाई 4 जुलाई तक टल गई है। फोटो और वीडियो के बारे में अदालत निर्देश तय करेगी और उसके बाद दोनों पक्षों को सर्वे की रिपोर्ट दी जाएगी। अभी 4 जुलाई को उनको अपनी बहस पूरी करनी है। जो उनका एक इशू है कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, डिवोटीज को हक नहीं है, तो उस पर वो 4 जुलाई को अपनी बहस करेंगे। हमने संयम से उनको सुना है और कोशिश यही रहेगी जब वो अपनी बहस पूरी करते तब अपना जवाब। दीन मोहम्मद के केस का उन्होंने हवाला दिया, उसको हमने कोर्ट ने पॉइंट आउट कर दिया कोर्ट में कि हिंदू पक्षकार उसमें पार्टी नहीं थे, इसलिए उसका जजमेंट हम पे बाइंडिंग नहीं है। पैरा 40 के दीन मोहम्मद के जजमेंट में लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई और वो वैलिड मस्जिद नहीं हो सकता। ऑब्जेक्शन इन्वाइट किया है स्टेट से, सभी डिफेंडेंट से, कि अपना अपना पक्ष रखें, उसके बाद में ऑर्डर होगा उस एप्लीकेशन के ऊपर जिसमें तत्काल पूजा मांगी गई है। पेंडिंग रखा गया एप्लीकेशन को जज साहब के द्वारा कि सामने वालों को पहले कॉपी दे दी जाए, उनको सुन लिया जाए, उसके बाद आदेश होंगे। 8 जुलाई।
लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मस्जिद को लेकर एडीजे कोर्ट में सुनवाई हुई, मामले में मंगलवार को फिर से सुनवाई होगी। बता दें कि टीले वाली मस्जिद को लेकर लखनऊ की एडीजे कोर्ट ने याचिका दाखिल कर सर्वे की अनुमति मांगी गई है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और केस के मुख्य पैरोकार सुशील चतुर्वेदी ने बताया कि ये लक्ष्मण टीला था जिसे टीले वाली मस्जिद कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हमने कोर्ट से मांग की है कि इसका अधिकार मालिकाना हक हिंदुओं को दिया जाए। यूपीएससी 2021 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। श्रुति शर्मा इस बार की टॉपर रही। इस साल सभी शीर्ष दिनों पर लड़कियों ने कब्जा कर रखा है। इसके अलावा अंकिता अग्रवाल दूसरे स्थान पर रही और गामिनी सिंगला तीसरे नंबर पर। बता दें कि श्रुति शर्मा बिजनौर की रहने वाली है। और एक बार फिर से यूपीएससी 2021 में टॉप कर महिलाओं ने यह प्रूफ कर दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं है। इस रिजल्ट से काफी खुशी का लहर दौड़ा हुआ है जो टॉपर्स है उनमें। यूपीएससी 2021 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया और इस बार घोषित किए गए रिजल्ट में यूपी के बिजनौर की दो बेटियों को बोलबाला रहा। बता दें कि बिजनौर की रहने वाली श्रुति शर्मा टॉपर बनी और कहीं यही कि श्रुति स्मृति भारद्वाज भी यूपीएससी में 176 स्थान लाकर जिले का नाम रोशन किया है। स्मृति भारद्वाज मूलतः बिजनौर शहर के साहित्य विहार की रहने वाली है और उन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा पास करके परिवार और अपने गुरुजनों का नाम रोशन किया। 176th रैंक है। ये कितने अटेम्प्ट में आपने किया? मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, आपके जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो कहाँ से कहाँ कहाँ पढ़े थोड़ा उसके बारे में? मैंने सेंट मेरी स्कूल बिजनौर से 10th और 12th पास किया है। फिर ITBHU वाराणसी से मैंने इंजीनियरिंग किया। मैं सबसे पहले अपने माता पिता को इसका श्रेय देना चाहती हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, मैंने जो भी करना चाहा है। और इन पूरे सालों में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सहायता और सपोर्ट किया है जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। खबर गाजियाबाद से है जहां सह पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि थाना मसूरी में गैंगस्टर मुनसैद और उसके बेटे के विरुद्ध जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। बता दें कि मुनसैद एक अभ्यस्त अपराधी जिसके विरुद्ध NCR में 25 से भी ज्यादा केस दर्ज है जिसमें से ज्यादातर केस जमीनी विवाद से संबंधित है। थाना मसूरी में गैंगस्टर मुनसैद अली उर्फ मोना और उसके पुत्र आदिल उर्फ जुबी के खिलाफ 14(1) के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। मुनसैद अली एक अभ्यस्त अपराधी है जिसपे दिल्ली एवं गाजियाबाद में लगभग 25 से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत हैं। इनमें से ज़्यादातर अभियोग जो हैं वो जमीन संबंधी धोखाधड़ी हैं। इस प्रकार की धोखाधड़ी करके मुनसैद के द्वारा करोड़ों की संपत्ति अर्जित की गई है और इसी के बाद गैंगस्टर अधिनियम के तहत इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी संपत्तियों की जानकारी की गई। दुनिया के विभिन्न देशों में ऐतिहासिक ताजमहल के दीदार के लिए यहाँ पर्यटक के पहुंचने की पृष्ठभूमि में मंक्सी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आगरा के लिए विशेष आदेश जारी किया गया है। खास तौर पर विदेश से आने वाले पर्यटकों पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर बने हुए हैं और अगर किसी मरीज में लक्षण पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों को 21 दिन के लिए आइसोलेट करके व्यवस्थाएं कर ली गई है। इसमें ये देखा गया है कि स्किन इरप्शंस होते हैं और कुछ और बाकी सिम्टम्स भी आते हैं इसमें, बुखार आना, लिम्फोड, पेनफुल लिम्फोड होना। तो इन सब को देखते हुए ये अलर्ट चुकी है। यहाँ पे जैसा आपने कहा कि विदेशी पर्यटकों का बहुत आना जाना रहता है, इसलिए हम लोग उनको किसी को इस तरह की कोई भी संभावना हो, खास तौर से ऐसे देशों से आने वाले जहाँ पे मंकी पॉक्स के केसेस दिखाए गए हैं, उनको हम लोग चिन्हित करके और ये देखना चाहेंगे कि यदि कोई सिम्टोमेटिक कोई भी किसी तरह का है सिम्टम है तो उसको 21 दिन का हम लोग आइसोलेशन करके उसकी सारा परीक्षण NIV के माध्यम से कराएंगे। लखनऊ में ओवैसी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया और कहा कि ओवैसी को भारत के इतिहास का ज्ञान नहीं है, पहले वो भारत को जाने और भारत को माने उसके बाद ही इस तरह के बयान दे, वो हमेशा भड़काऊ बयानबाजी करके माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी पैसे से बैरिस्टर है लेकिन कानून का भी लगातार मजाक उड़ाने का काम करते हैं और अब ऐतिहासिक तथ्य सामने रख रहे हैं।
अरे इतिहास पहले पढ़ के आइए, ये मुगलों के द्वारा लिखा गया इतिहास, वामपंथी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया इतिहास, जिनको भारतीय रीति रिवाजों परंपराओं के बारे में सांस्कृतिक ज्ञान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसे आधे अधूरे ज्ञान के आधार पर कोई बात अगर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं तो इसका कोई प्रभाव नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी पहले भारत को जाने, भारत को माने, तब उसके बाद किसी प्रकार की कोई बयानबाजी करें, उनकी हर बयानबाजी केवल भड़काऊ होती है। असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ जहां प्रदेश सरकार के निर्देश पर अतिक्रमणकारियों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, तो ये बलरामपुर में मुख्यालय के चंद कदम की दूरी पर लुइचिया गांव में दबंग अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है। गांव में दबंगों ने तालाब, खड़ंजा और सुरक्षित जमीन पर कब्जा कर लिया है। कहा जा रहा है कि कब्जाधारियों ने शमशान घाट की जमीन को भी नहीं छोड़ा। लोगों की शिकायत है कि आखिर इन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा। खबर देवरिया से है, जहां पोखरी की भूमि से अवैध खनन के मामले में कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज कर दिए गए। इस दौरान तहसीलदार सदर धर्मवीर सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खननकर्ताओं से अनुमति पत्र की मांग की गई, जिसे देने के लिए उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद नायब तहसीलदार ने मौके पर मिले 6 ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज करते हुए खनन अधिकारियों को सुपुर्द कर दिया। कन्नौज में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां छात्र नेताओं ने एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाली छात्रा के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही सड़क पर अराजकता फैलाने वाले ऑटो चालकों पर डीएम से कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल दो दिन पहले एक सड़क हादसे में बीए सेकेंड ईयर की छात्रा की मौत हो गई थी। डोरिया में पत्रकार एसोसिएशन के एक अहम बैठक की गई और ये बैठक वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि कुमार रावत की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान संगठन की नीतियों पर विशेष रूप से चर्चा हुई और नीतियों से प्रभावित होकर लोगों ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की, साथ ही सर्वसम्मति से पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया। शाहजहापुर में मिशन शक्ति के तहत महिला बीट अधिकारी दक्ष बनाने के उद्देश्य से पुलिस लाइन में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिला पुलिस कर्मियों को सरकार की नीतियों के बारे में बताया गया और उनको किस तरह अपनी ड्यूटी को करना है उसके बारे में जानकारी दी गई। इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवन में महिलाओं की समस्याओं का समाधान कराया जाए। मिशन शक्ति शासन की शीर्षतम प्राथमिकताओं में से एक है, महिला सुरक्षा और महिला संबंधी अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई। इसी क्रम में एक महिला बीट पुलिस अधिकारी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये थाने की जो महिला आरक्षी हैं उनका बीट निर्धारित है, इस पर वो जाएंगी और अपने जो गांव हैं वहां के जो पंचायत भवन है वहां मिशन शक्ति कक्ष बना हुआ है, वहां बैठेंगी और वहां की जो महिलाएं जो थाने तक भी ना आने की स्थिति में हों उनकी समस्याओं को सुनेंगी। बदायूं में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी में आपसी विवाद चल रहा था। फिलहाल विवाहिता के पिता ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है और पुलिस से मामले की जांच की। माधुरी 8 बजे मेरे घर पे छोड़ के गए थे, मुझसे ये कह रहे थे कि मैं ले जाऊँ, मुझसे बोले भी ना। मैंने बूझी तो बोले मैं सुबह ले जाऊंगा, रात के लिए रख लो तारीख है, सुबह जल ले जाऊंगा। इसके लिए अब 12 बजे आ गए मेरे घर पर कांड करके। रात के 12 बजे? हाँ, रात के 12 बजे कांड करिए। जनपद बदायूं के बादशाहबाद थाना सासवान के अंतर्गत प्रमोद कुमार ने आज अपने पत्नी की रात्रि 12:30 बजे पत्नी की बुआ के घर बादशाहबाद में गोली मार करके हत्या कर दी। इस घटना की सूचना पे जब मौके पे जाकर के परिजनों से पूछताछ की गई और बातचीत की गई तो पता चला कि प्रमोद की पत्नी अपने चचेरे देवर के साथ हिमाचल प्रदेश चली गई थी और उन्हीं के साथ रहना चाहती। श्रावस्ती के गौना थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। सूचना के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। मामले में मृतिका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज लेकर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत हुए लोग मार दिए हैं गला दबा के, उसके बाद पंखे से लटका दिया।
मर गई। उसको लोग पहले बहुत प्रताड़ित करते थे, मारते थे, डांटते थे। किस लिए प्रताड़ित कर रहे थे? दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे कि दहेज नहीं दिया, गाड़ी नहीं दिया, अंगूठी नहीं दिया, चैन नहीं दिया, फलाना धमाका है, ये सब बता रहे थे। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया के और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।